अपराधी खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, सोचता नहीं है उसको कि पकड़े है। जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाएगा, हो सकता है खुलेआम घूम रहा है फिर कोई किसी को मर्डर कर देगा। अब बताइए, बड़े बड़े जो नेता मंत्री है एक छोटे से बच्चे सोनू के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पत्रकार की हत्या हुई है तो कोई नेता मंत्री यहाँ पर नहीं आ रहा है। नेता मंत्री लोग आ रहे हैं कि नहीं? जी नहीं, कोई नहीं आ रहे हैं। आंख से आंसू सूख गया है, आवाज नहीं निकल रहा है, फिर भी बोलना पड़ रहा है। गोली मार दिया और उसमें लाइन काट दिया गया, लाइट भी काट दिया गया, काटा गया है उसमें, ताकि लोग बताइए कहीं ना कहीं लोग लग रहा है कि ये साजिश है, क्योंकि जिस समय इनकी हत्या हुई 2 मिनट के लिए लाइट भी कट गया था। जिस देश में पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अब उस देश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में लगातार पत्रकारों की हत्याएं हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़ा होता है। हम इस वक्त बिहार के बेगूसराय में हैं और यही वो जगह है जहाँ पर एक पत्रकार को 2 गोली से मारकर हत्याएं कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार में लगातार पत्रकार की हत्याएं हो रही है, लेकिन इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बन रहा है? लगातार के साथ बदतमीजी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो खामोश है। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं कि एक ऐसी बहन है जिनकी शादी होने वाली थी और शादी के लिए लगातार जो भाई थे वो लगे हुए थे, लेकिन भाई की अब हत्या हो चुकी है। ये पिता है जिनके बेटे की हत्या हुई है और कहीं ना कहीं ये जो घटना है समाज को शर्मसार कर देने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, विधायक हैं, वो एक छोटे से बच्चे सोनू के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर एक पत्रकार की हत्या हुई है तो यहाँ पर कोई नेता मंत्री नहीं आ रहा है। सुभाष कुमार नाम था पत्रकार जी का। जी का। अच्छा ये बताइए, आप उनके पिता हैं। जी। तो हत्या क्यों हुई है उनका? अब क्या हुआ, दुश्मनी से हुआ है चाहे जैसे हुए, हमको आंख से आंसू गिर रहा है, हम क्या बोलेंगे। हाँ। हाँ। तो मतलब पहले से आप लोगों को देखने में नहीं लग रहा था कि इससे दुश्मनी उश्मनी है? सब वैसा इंसान ही नहीं था कि मतलब किसी के साथ दुश्मनी हो, वैसा इंसान ही नहीं था। अच्छा आपका ही शादी होने वाला था क्या? हाँ हाँ। अब बताइए, इस बहन का शादी होने वाला था लेकिन शादी से पहले ही एक भाई की हत्या कर दी गई, वो भी गोली से मारकर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खून के निशान भी है, यहीं पे अपराधियों के द्वारा गोली मारा गया है, 2 गोली। अब बताइए, बड़े बड़े जो नेता मंत्री है एक छोटे से बच्चे सोनू के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पत्रकार की हत्या हुई है तो कोई नेता मंत्री यहाँ पर नहीं आ रहा है। नेता मंत्री लोग आ रहे हैं कि नहीं? जी नहीं, कोई नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा तो प्रशासन लोग आ रहे हैं कि नहीं हत्या के बाद में? हत्या के बाद परसों भी आए हैं, बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन हम क्या समझेंगे? जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाएगा, हो सकता है खुलेआम घूम रहा है फिर कोई किसी को मर्डर कर देगा। और यहाँ तक कि जो अपराधी इनकी हत्या की है उनका नाम भी पता चल गया। हाँ, सारा चीज हमको नाम पता चलने के बाद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं, नहीं गिरफ्तार नहीं हुआ है। नहीं, तो यहाँ नेता मंत्री लोग आ रहे हैं कि नहीं आपके घर पे? नेता मंत्री आ रहे हैं, सब बोल के जा रहे हैं, हम लोग क्या समझेंगे? जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक, उसके बाद हम लोग सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं, सुरक्षित नहीं है। अभी तक व्यवस्था नहीं है सुरक्षित का, उन लोग को व्यवस्था करना चाहिए, कुछ लगाना चाहिए, प्रशासन देना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। अच्छा आपका एक ही बेटा था क्या? जी एक ही बेटा। बताइए, इनका एक ही बेटा था और कहीं ना कहीं वो जो है लगातार सच्चाई दिखा रहे थे, क्या होती है पत्रकारिता की सच्चाई वो दिखा रहे थे, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और कहीं ना कहीं हमारे देश के तमाम जो पत्रकार हैं यहाँ पर पहुँचना चाहिए, ये दिखाना चाहिए, ये रियल मुद्दा है, कहीं ना कहीं इसको नहीं दिखाया जाएगा ताकि जो है TRP नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो है रियल मुद्दा है, इसे दिखाना जाना चाहिए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। क्या लगता है आपको, न्याय मिलेगा? की पता है गए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं लग रहा है। सब आते हैं, देख देख चले जाते हैं, सब लोग आते हैं, बस अपने फोटो वोटो खिंचवा के चले जाते हैं। और बातें ही होता है। हाँ हाँ, यही होता है। हाँ। कितना बोले, हम लोग का आंख से आंसू सूख गया है। हाँ। आवाज नहीं निकल रहा है, फिर भी बोलना पड़ रहा है, लेकिन हत्यारा नहीं मिल रहा है। आपका एक ही भाई, हत्यारा नहीं मिलेगा। पता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ईमानदार है और इनके ऊपर जो बैठे तमाम सत्ताधीश अधिकारी DM FDM सब जो है ना करप्ट, और उसी करप्ट डिपार्टमेंट को उजागर करने के लिए उन्होंने अपने भाई की शहीदी दी है। कहीं ना कहीं दोस्त किसका है? दोस्त इनके बहुत सवाल है। ये बहन की शादी होने वाली थी, बताइए कौन भाई इस बहन की शादी करेगा? कोई शादी होती तो छोड़िए बात, यहाँ तक कि कोई पत्रकार यहाँ पर आके राजने पटना में पप्पू यादव जी का, तेजस्वी जी का, तेज प्रताप जी का जो है रैली होता है, तो जितना रैली में आदमी नहीं पहुंचता है उससे ज्यादा पत्रकार पहुंच जाता है। और कोई भी चाटुकार पत्रकार इस बच्चे की आवाज उठाने के लिए नहीं आया है। किसी दिन वो भी ठोके जाएंगे ना, तब भी समझ में आएगा उनको, समझ में
समय में आएगा जिस दिन हम ठोके जाएंगे आप, और हमारे लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा, न आपके लिए आवाज उठाएगा और न पटना में बैठे तमाम। सबसे बड़ा एक और सवाल है कि इस देश में पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन इसके बाद भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है। अब बताइए इस परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? अच्छा यहाँ पर पुलिस वुलिस लोग पहुँच रहा है डेली, देख रहा है रात को, नहीं रन गए क्या आप लोगों को? सुरक्षा है क्या? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ जितेश जी, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ता हूँ बिहार के तमाम उन पत्रकारों से, अगर दया है, मर्यादा है और मानवता है, तो बिहार से के पटना से राजधानी से चले आइए आप लोग, एक बार आवाज उठाइए, नहीं तो शिकार तो ये बच्ची हुई है, अपने भाई को खोया है, कल आपके भी भाई बहन और इसके बाद बाप आपका बेटा खोएगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, आपकी शादी कब होने वाला था? वो रहता तब तो शादी कर रहा था, यानी कि घर का सब चीज वही कर रहे, वही कर रहे, वही कर रहे थे। तो क्या लगता है आप लोगों का कारण क्या लगता है, क्यों हत्या हुआ है उनका? क्योंकि हम लोग मतलब वो हाईलाइटेड मतलब जितना ईमानदारी कर रहा था ना लोग, यानी कि ईमानदारी से पत्रकारिता, हाँ देखा लोग सहा नहीं गया, सहा नहीं गया, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे थे, ईमानदारी से कर रहे थे। अच्छा, तो ये क्या मतलब पहले से ये सब साजिश था क्या मारने उड़ने का? हाँ, साजिश था, षड्यंत्र रचा हुआ था, षड्यंत्र पहले से ही रचा हुआ था, तब तो कोई मारा, ऐसे कोई इससे इसके साथ दुश्मन ही नहीं थी तो कौन मार सकता है। अच्छा, जरा हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये घटना कैसे हुआ और कब हुआ? 8:30 को रात में, यानी कि 8:30। तो आप लोग कहाँ थे उस टाइम? हम लोग घर में थे क्योंकि शादी का माहौल था, इसलिए वो भैया भोज खाने गए थे और हम लोग घर में सोए। लेकिन एक और सबसे बड़ा सवाल एक खड़ा होता है कि जब इनका यहीं पर घर के पास हत्या हो गया तो बाकी गांव वाले कहाँ थे? गांव के लोग कहाँ बैठे थे? गाँव के शादी का माहौल था, आम मऊआ ब्याह, कोई तो होगा ना आसपास में जो अगल बगल में देखता था? ढेर लोग था, ढेर कोई नहीं था, लोगों की कमी नहीं थी, बता रहे उस समय बहुत आदमी था। मौत के बाद तो हम जान रहे हैं कि सैकड़ों लोग आएंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले कहाँ थे गांव? उसके पहले थे सब लोग, यही थे लोग, दौड़ दौड़ के आ रहे थे, अपराधी भाग रहा था, यहाँ उलट के गोली मार दिया। क्या आप लोगों को पहले से लग रहा था कि इनकी कभी भी हत्या होते हो सकती है? नहीं, पहले से कुछ पता नहीं, कुछ गोली मार दिया, उसमें लाइन काट दिया गया, लाइट भी काट दिया गया, काटा गया है उसमें, ताकि लोग बताइए कहीं ना कहीं इन लोग का लग रहा है कि ये साजिश है, क्योंकि जिस समय इनकी हत्या हुई 2 मिनट के लिए लाइट भी कट गया था, तो सवाल तो खड़ा होगा ही। अच्छा ये बताइए क्या लगता है न्याय मिलेगा आप लोग को? कहाँ से न्याय मिलेगा, कैसे समझेंगे न्याय मिलेगा? 20 तारीख की घटना है, अभी तक एक पैसा मुआवजा का राशि नहीं मिला, कोई सहानुभूति नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला कि कम से कम इनको कम से कम एक नौकरी का भी सहायता दी जाए या और कोई तरह का कोई सहायता मिले। ये बेचारी रडी समी रहती है कि फिर कोई आकर के हम पर कोई आक्रमण कर दे, डर से लोग बोल रहे। अभी भी आप लोगों पर खतरा बना हुआ है? पूरा खतरा बना हुआ है, फिर भी हम लोग को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है, हाँ व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से क्या चाहते हैं? उसको सजा मिले, जैसे मेरे भाई को मौत हुआ है उसको भी मौत मिले। मौत मिले तो क्या मिलेगा? अभी प्रशासन तो है, लेकिन हत्या से पहले अगर प्रशासन यहाँ पर पहुँच जाती उस समय तो शायद अपराधी पकड़ा जाता और अभी तक न्याय मिल गया रहता। बस सही है कि नहीं? अच्छा ये क्या आप लोगों को पत्रकारों से उतना सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? पत्रकारों आते हैं सब, हम अपना सवाल रखते हैं, वो सवाल रखते हैं, हम आंसर देते हैं, जाते हैं। कहीं ना कहीं इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस गांव में आप देख सकते हैं कि जहां हत्या हुई है अभी तक खून का निशान भी है। और सबसे बड़ा सवाल एक और है कि जब अपराधी इतने गांव के बीच में हत्या करके चले गए तो गांव के लोग कहां थे? और कहीं ना कहीं इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार हत्या के समय ही 2 मिनट के लिए लाइट क्यों कटा? अच्छा लाइट इससे पहले कभी कटती थी क्या गाँव में? कभी कभी तो कभी कभी कटती थी, लेकिन उस समय में कट रहा था। आप लोग क्या लग रहा है, साजिश है क्या? पता नहीं हम लोग क्या समझो, साजिश तो होना होगा। कहीं ना कहीं सवाल सबसे बड़ा ये उत्पन्न होता है कि आखिरकार हत्या के समय ही 2 मिनट के लिए लाइट क्यों कटा और उसी समय इस हत्या को पूरी तरीके से अंजाम दे दिया गया। और सवाल एक और सबसे बड़ा ये खड़ा है कि अभी तक 4 जो अपराधी है उनका नाम भी पता चल गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस परिवार की न्याय मिलना चाहिए। और हम तमाम पत्रकारों से निवेदन करेंगे कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे और इस सच्चाई को दिखाएं, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा कभी भी हो सकता है।